मोदी 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 ने ये कर दिया, मोदी ने, मुझे पता है ना मोदी ने क्या किया है। मोदी जी कौन? मैं खामोखा, ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी सफर जारी। भैया बताओ, राम नाम जिस पे अंकित है भगवा गमछा, उसको तुम खींच रहे हो, केसरिया गमछे को तुम खींच रहे हो। तुम पत्रकार हो, अंधभक्त, अगर गोबर भक्त होते तो ऑन कैमरा ही मेरा गमछा पकड़ खींच लेते। इधर आओ, इधर बंद करो, इसे बंद करो, ये उतारिये, ये भगवा गमछा उतारिये। तुम हिंदू नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। अरे मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, अरे मोदी जी के खिलाफ नहीं, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकते हम, मोदी जी से सवाल नहीं पूछते हम, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। एफआईआर कर देंगे। एफआईआर किसको करोगे? पुलिस तो हमारी है। अरे भैया अमित शाह जी, क्या पुलिस भाजपाइयों की ही है? चांदनी चौक पे नहीं दिखना, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मैं यहाँ पे खड़ा होके बोलूं या भाजपा कार्यालय के सामने खड़ा होके बोलूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। 135 करोड़ जनसंख्या है, तुम्हारे साथ प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, लेकिन उसे बनाने की हिम्मत जो हमारे साथ है 135 करोड़ जनसंख्या, उसके पास है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं। ये लगातार जो है हमेशा अपने गले में एक राम राम नाम इस तरीके से लिखा होता है, इनसे छीनने की कोशिश की है जबरदस्ती, और उनको बोला गया है कि जब तुम विरोध करते हो बीजेपी का तो ये भगवा उतार करके फेंक दो, तुम इस लायक नहीं हो। अनुराग ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था मामला, क्यों खींचा गया, क्यों इतनी बर्बरता की गई, इस पर बातचीत करेंगे। अनुराग जी सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आपके साथ ये हुआ था, और जनता जानना चाहती है कि जो है भगवा क्यों छीना गया था आपके ऊपर से, पूरी जो कहानी है आप बता दीजिए सिलसिलेवार तरीके से। पहले जब हम अंधभक्त थे, हम पूरी अपनी शुरू से कहानी ही बताते हैं। देखो कहाँ पे घटना हुई थी ये बता दीजिए। ये चांदनी चौक की घटना है, और वहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जनता ने नहीं किया ये, पत्रकार, जो पत्रकार का जो मतलब होता है कि सच्चाई दिखाना, सच्चाई कह रहे हैं कि हम सच्चाई दिखा रहे हैं। भैया बताओ, राम नाम जिस पे अंकित है भगवा गमछा, उसको तुम खींच रहे हो, केसरिया गमछे को तुम खींच रहे हो। तुम पत्रकार हो या देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, ऐसे देशद्रोही और घमंडी और पाखंडी पत्रकार को मैं कह रहा हूँ कि तिहाड़ जेल में जगह होनी चाहिए। क्यों खींचा जा रहा था? कह रहे कि तुम ये गमछा पहन के भाजपा का विरोध नहीं कर सकते। हम कह रहे भैया हम भाजपा का विरोध नहीं करते, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, अरे मोदी जी के खिलाफ नहीं, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकते हम, मोदी जी से सवाल नहीं पूछते हम, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। तुम बीजेपी वालों के सामने बोल नहीं सकते, हम बीजेपी वालों के नहीं, बीजेपी समर्थकों के सामने बोलना चाहते हैं। हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें मोदी जी की नीतियों से दिक्कत है। मोदी जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं मोदी जी का, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मोदी भक्त था तो कोई अपने गुरु की विरोध करेगा नहीं करेगा, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, और इसलिए उनको मिर्ची लग रही है। हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो पत्रकार महोदय, तो आप हमसे बताइए, है बात नहीं। अगर आपको कोई भाई, जनता जब ये करती 20 डिबेट में से मुझे खींच लेती, मैं मानता कि हाँ जनता की भावनाओं को आहत हुआ होगा। क्या करने गए थे वहाँ पे आप? मैं वहाँ पे घूमने के लिए गया था, फिर वहाँ पे डिबेट भी चल रही थी, तो हमने कहा चलो भाग ले लेते हैं, जरूर कुछ ना महंगाई बेरोजगारी के बारे में बोलना वाजिब है, हम भी बोल देते हैं। लोग वहाँ पे मोदी 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 ने ये कर दिया, मोदी ने, मुझे पता है ना मोदी ने क्या किया है। मोदी जी कौन? मैं खामोखा, यही बात है। तो हमने भैया वहाँ पे बोलना चाह, 4-6-10 पत्रकारों की एक भिंड झूठ उतरती है, कुछ सीपी में उतरते हैं, कुछ चांदनी चौक में उतरते हैं, इनका एक टीम है सर, एक ग्रुप, और ये ग्रुप नहीं है, ये भाजपाई नहीं है, भाजपाई के पत्रकार, ये दंगाइयों के पत्रकार हैं। और मैं देश की एक एक जनसंख्या से, एक एक देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये गोदी मीडिया जितनी है इन सबका बहिष्कार कर दीजिए। नहीं, सवाल ये है कि वो लोग थे कौन, क्या आपने इससे पहले कभी देखा है उनको? देखा है सर, हम क्या कह रहे हैं कि हमने उन पे इंटरव्यू भी दिया होगा जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे। अच्छा, उन पे इंटरव्यू दिया बीच डिबेट में से, आपकी डिबेट चल रही है ना, वो अंधभक्त अगर गोबर भक्त होते तो ऑन कैमरा ही मेरा गमछा पकड़ खींच लेते। इधर आओ, इधर बंद करो, इसे बंद करो। अरे काहे बंद करे भैया, संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, हम कहीं भी कैसे भी बोल रहे हैं, आपका विरोध नहीं ना कर रहे हैं। अपना खींचते हुए क्या कह रहे थे आपसे? ये उतारिए, ये भगवा गमछा उतारिए, तुम हिंदू नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। अरे भैया हिंदू नहीं है तो हम कौन है? हम तो सनातनी है, हम नहीं कहते हम हिंदू, हम सनातनी है। और मोदी जी भी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। अरे भैया हमारी नहीं मानते हो, मोदी जी की तो कम से कम मानो। हम तो कहते हैं हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं, और ये बात मोदी जी ने भी कहा है, आपको भी पता होगा पत्रकार महोदय, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। क्या आप पठान का इतना समर्थन कर रहे थे, पठान फिल्म का, क्या इसलिए जो है इस तरीके से बर्बरता आपके साथ हो रही है, या फिर क्या वजह है दूसरी? पठान भी वजह है और मोदी का, क्योंकि अभी देखो 23 में भी चुनाव है, 24 में भी चुनाव है, ये सोच रहे हैं जो घृणित मानसिकता के पत्रकार है, वो आज भी सोच रहे हैं कि अगर एक एक जनता तक इनकी आवाज़ पहुंच गई तो देश बर्बाद होते हुए बच जाएगा। हाँ।
तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज एक एक बंदे तक, जो कोने कोने में लोग पहुंचे हैं, उन तक पहुंच जाए। हम यही चाहते हैं, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है उनकी तरह। वो लोग हैं 150-150 रुपए में जब मुंह से गोबर निकालते रहते हैं, अरे भैया खींचो, काहे खींच रहे हो गमछा, अब कहाँ चली गई, साध्वी परख गया, आओ ना, भगवे का अपमान नहीं हुआ है, भरी डिबेट में से खींच लेते हैं भाजपा के लोग। भाजपा के लोग जब भगवा का विरोध करते हैं, भगवा का अपमान करते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ खान गैंग से दिक्कत है सर। तो क्या आप समर्थन कर रहे थे पठान फिल्म का, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर कोई और वजह? नहीं, ये भी वजह है और मोदी का विरोध भी वजह है, दोनों वजह है, दो वजह है, एक वजह नहीं है भगवा गमछा तो। अरे शाहरुख खान का समर्थन क्यों कर रहे हो भैया? खान गैंग वालों ने भी देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है, क्या मुसलमानों ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, बोलिए आप। अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल है कि जब आपके ऊपर ऐसा चीज़ें चल रही थी, तो आपने जा करके कोई FIR लिखवाई, या फिर कोई चीज़ें जहाँ पे आपने जिक्र किया हो, तो कैसे आप? जब हमने उनसे कहा FIR कर देंगे, FIR किसको करोगे, पुलिस तो हमारी है। अरे भैया अमित शाह जी, क्या पुलिस भाजपाइयों की ही है? जो भाजपा का समर्थन करेगा उन्हीं की है, क्या हमारी नहीं है पुलिस, आम जनता की पुलिस नहीं है? अरे पुलिसों से तो विश्वास उठवाना बंद कर दीजिए, ऐसे ही अगर करते रहे तो आम जनता का विश्वास पुलिस से हट जाएगा, प्रशासन से हट जाएगा, प्रधानमंत्री से हट जाएगा, गृह मंत्री से हट जाएगा, और जो पत्रकार अपने हाथ में माइक लेके आ जाते हैं उनसे भी हट जाएगा। तो जो लोग थे जो आपके साथ इतनी बर्बरता कर रहे थे, आपके पहने हुए कपड़ों को खींच रहे थे, आपको बोल रहे थे कि आप ऐसा मत बोलिए, चांदनी चौक पे तुम्हें नहीं दिखना है, चांदनी चौक पे नहीं दिखना है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोलूँ या भाजपा कार्यालय के सामने खड़ा होकर बोलूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता, संविधान ने अधिकार दे रखा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी निंदा करो, महंगाई है अगर मैंने बोला तो इसमें गलत क्या बोला है, बेरोजगारी है गलत क्या बोला इसमें, पठान मूवी ठीक है इसमें मैंने क्या गलत बोला, कंगना रनावत ने जब भगवे का अपमान किया अगर मैंने वो बोला तो इसमें मैंने गलत क्या किया, मनोज तिवारी जब भगवे का अपमान करता है उसे सांसद बना दिया जाता है, शाहरुख खान ने जब दीपिका पादुकोण ने जब भगवा पहन लिया तो उसे अगर सांसद बना दिया जाए तो मैंने इसमें क्या गलत बोला, बताइए आप। लेकिन जो है कुछ लोग जो हैं अभी भी आपके जो समर्थक हैं, जब से आज इस खबरों को सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने हाथापाई भी करी है, तो अपने प्रशंसकों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके समर्थक हैं जो इस कंडीशन में? मैं तो कहता हूं कि गोदी मीडिया से अपना विश्वास उठा लो और पत्रकारों से सावधान रहो, क्योंकि सर भाजपा वाले इतनी घृणित मानसिकता के लोग हैं, इतना गिर सकते हैं कि पहले उन्होंने भाजपाइयों को भेजा, फिर दंगाइयों को भेजा, फिर घुसखोरों को भेजा जिन्होंने रिश्वत देना चाहिए मुझे, फिर उसके बाद में उनकी ये तीनों चारों नीतियां फेल हो गई, फिर उन्होंने पत्रकारों को मोहरा बनाया कि ये पत्रकार जाएगा। हाँ। अच्छा अनुराग जी, सवाल ये है कि कह रहे हैं कुछ लोग कि आप इतना समर्थन कर रहे हैं, ये कोई वाजिब थोड़ी होता है कि 3 बार 4 बार 5 बार फिल्में देखेंगे, तो फिर कहाँ है फिर? आप एक तरफ महंगाई की मार करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बेरोजगारी का आलम है, महंगाई इतना है, और फिर कहते हैं गैस सिलेंडर कैसे लेंगे, फिर सवाल जब यहाँ पे ये होता है, वहाँ एक छाता दे दीजिए मुझे, हाँ बारिश होने लगी है, थोड़ा छाता लगा लेते बात करते हैं। सवाल ये है अनुराग भाई, आप इसको पकड़ लीजिए थोड़ा सा, सवाल ये है कि फिर आप कैसे देखेंगे? तो आप फिल्म भी देख रहे हैं एक तरफ, बेरोजगारी महंगाई का भी सवाल उठा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा महंगाई का? बेरोजगारी महंगाई वो चरम पे है, वो तो ठीक है। टिकट कितने का है? 250 रुपये का एक टिकट है, 200-250 रुपये का, एक बार दो बार मैंने देख लिया तो हम 1100-1200 रुपये का सिलेंडर भरवाते हैं हर महीने, अगर 500 रुपये खर्च कर दिया मूवी देखने में तो आपके पेट में दिक्कत मेरे है। पेट में नहीं, मैं यही चीज़ देख रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो चल रहे, कह रहे हैं कि जो जिस फिल्म को देखने के लिए इतना पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं, गरीबों को दीजिए ना, उनको एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं, आप उनको खिला दीजिए। सर जो गरीबों का पैसा है वो अंबानी और अडानी के जेब में चला जाता है, अब हम अपना पैसा, हमारी जेब में तो कुछ बचा ही नहीं, जो हमारा पैसा है वो अंबानी और अडानी के जेब में जा रहा है सर, तो हमारे पास पैसा कहाँ से बचेगा, 150 रुपये वही लेके हम चलते रहते हैं। चलिए मसलन थोड़ा सा ये अलग हो गया टॉपिक, फिर से हम आपके मुद्दे पे आते हैं जो आपके साथ हुआ है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से लोग जो है आपके साथ ऐसा काम कर रहे हैं, आपके साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कपड़े खींचते हैं, तमाम तरीके की धमकियां देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे कहता हूं कि सुधर जाओ, बीजेपी की सरकार भले ही है आपकी, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ गरीबों की सरकार हो सकती है, पुलिस भले ही आपकी है, आप कहते हो ना कि प्रशासन हमारा है पुलिस हमारी है, अरे तो हम अमित शाह जी को इतना तो मानते हैं, अमित शाह जी अगर सुन रहे होंगे हमारी बात को तो इतना तो वो समझ ही जाएंगे कि यार गरीबों की भी पुलिस है। क्या वो पत्रकार थे? पत्रकार थे, मैं नहीं मानता भाई, पांचवी पास पत्रकार हो सकता है, हाथ में माइक पकड़ लेने से कोई पत्रकार हो जाता है? पत्रकार का जो वास्तविक चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, उसको कुछ पता ही नहीं सर। जब कोई भाजपाई का दंगाई धमकी दे, समर्थक धमकी दे, तब समझ में ही आता है।
पत्रकार जब हमारा कॉलर पकड़ ले, ये कहाँ पे है बताओ? पत्रकार का ये उचित बनता है? पत्रकार तो कह दे कि हाँ महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं, इतना समझ में आता है, क्योंकि मैं मीडिया वाले जो वास्तविक पत्रकार हैं उनको भी देख रहा हूँ आजकल, वो महंगाई और बेरोजगारी के फायदे गिन रहे। डेली आते थे वो राम नाम जो अंकित था वो गमछे पे, आप डेली पहन के आते थे, लेकिन आज आए नहीं है, क्या इसकी वजह ये मान लिया जाए? बिल्कुल 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 भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आज मैं हूँ यहाँ पे सुरक्षित हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं पब्लिक प्लेस में जाऊँ और फिर चार छह दंगाई उतर के मुझे मारने काटने लगे तो मुझे कौन बचाएगा? लोग बात कह रहे हैं कि ये झूठी मूठी पब्लिसिटी का एक मतलब झूठा सा एक छोटा सा स्टंट है बस, अनुराग हो जाए अपना रहे, क्या इसमें सच्चाई है? मैं भैया क्या बताता हूँ कि जितने भी पत्रकार हैं सबके चैनल पे चल रहा होगा वीडियो, और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, जो वास्तविक पत्रकार अच्छे पत्रकार हैं जो सच्चाई दिखाते हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, मतलब कई पत्रकार वहाँ पे मौजूद रहे। अब अगर हम पे विश्वास नहीं हो रहा तो उनसे पूछ लो, क्या उन दंगाइयों ने, भाजपाइयों ने, 2 करोड़ के पत्रकारों ने पीस डिबेट में से मुझे खींचा या नहीं खींचा? यहाँ पे चांदनी चौक पे अगर बोले तो अगली बार से हमारी पूरी फोर्स आएगी। अरे फोर्स तुम मिलिट्री लेके चल रहे हो, और कल वहाँ पे इसका जीता जागता उदाहरण नेशनल दस्तक ही है, वहाँ पे मौजूद था और उनके दंगाई लोग वहाँ पे उतरे मुझे ढूंढने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए। और मैं आपकी ये चुनौती स्वीकार करता हूँ, आप जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ पे मैं आऊँगा, मेरे साथ 135 करोड़ जनसंख्या है, तुम्हारे साथ प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, लेकिन उसे बनाने की हिम्मत जो हमारे साथ है 135 करोड़ जनसंख्या उसके पास है। तो अब बोलूँगा सर, विरोध तो इनका जारी रहेगा, बोलते रहेंगे। हाँ, ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी सफर जारी है। अगर हमें डरना होता, हमारा पहला इंटरव्यू आपके चैनल के माध्यम से गया था जो शुरू में अंधभक्ति का, जिस दिन मैंने चश्मा उतारा था पहला इंटरव्यू आपके ही चैनल के माध्यम से गया था, तभी लोगों ने कह दिया मारो इसे, पकड़ो, सीपी में दिख गया तो मारेंगे, जंतर मंतर पे दिख गया तो मारेंगे। भैया लोगों ने यहाँ पे लोगों को बैठाना शुरू कर दिया, लोगों ने लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। अब जैसे हम आपको पहचानते हैं पत्रकार महोदय, आप DS4 वाले हो, तो अब DS4 वाले नहीं आएंगे, अब दूसरे दंगाइयों को भेजो। अरे महाराज, इतनी घृणित मानसिकता के पत्रकार हो गए हैं, पत्रकार सत्ता के दलाल हो गए हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इतनी भी दलाली मत करो कि आप पर कोई आँच आए तो देश का एक भी बच्चा, एक भी जवान, एक भी बुजुर्ग, एक भी महिला आपके साथ में न खड़ी हो। मेरे साथ तो 135 करोड़ जनसंख्या खड़ी है सर, इसलिए मैं आज अपनी बात बेबाकी से रख पा रहा हूं। हिम्मत कहां से आ रहा है आपको? हिम्मत सर मेरे साथ आपके दर्शक है, मेरे साथ 135 करोड़ जनसंख्या है, मैं बोल रहा हूं, मेरी रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो ये जनता ही है। मैं मोदी से डरने वाला नहीं हूं, ऐसे लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं, भाजपाइयों के दंगाइयों से मैं डरने वाला नहीं हूं। चलिए, आपका संघर्ष ऐसे जारी रहने वाला? संघर्ष जारी रहेगा। 2 करोड़ के लोगों से मैं डर गया तो मेरे पैदा होने पर धिक्कार है। अब गमछा तो आज उतार दिया आपने, नहीं अगला इंटरव्यू आएगा गमछा के साथ आएगा, गमछा ही लेके चलेंगे हम, उनके कहने से डर तो जाएंगे। ये कहेंगे ना कि अब उन्होंने मना कर दिया, आपने छोड़ दिया, कल को बोलेंगे कि आप ये जैकेट मत पहनिए, ठंड में स्वेटर पे घूमिए, तो क्या पहनना छोड़ देंगे आप? हम क्या कह रहे हैं, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, मोदी के डर से मकान छोड़ दें हम, छोड़ेंगे नहीं, तुमसे डरने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बेशकीमती समय दिया। और सवाल ये है कि अनुराग ओझा भी बाकी सब अपने बातों को रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए जो है जनता इनको बहुत करीबी से जानने की कोशिश कर रही है, सुनने की कोशिश कर रही है, और अनुराग ओझा जो है इस वक्त लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों में बास करने लगे हैं, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं। सवाल यह है कि जब से लोगों ने सुना है कि अनुराग ओझा से कुछ लोगों ने बदतमीजी करी है, कुछ लोगों ने खींचातानी करी है, तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर अनुराग ओझा से इतनी जो है बदसलूकी क्यों की जा रही है, अनुराग ओझा ने आखिर ऐसा कर क्या दिया है। तमाम ऐसे सवाल थे जिनको हमने जानकारी लेने के लिए इनसे खुद ही बातचीत कर ली। फिलहाल अगर आपके मन में कुछ सवाल ऐसे होंगे तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बारिश तेज हो गई है, दीजिए इजाज़त, देखते हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।